बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से साउथ का सिनेमा अपने पांव पसार रहा था उसे देखते हुए लगता है बॉलीवुड इस वक्त पूरी तरह से डरा हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म जिसका नाम शहजादा, उसके मेकर्स ने साउथ की एक बड़ी फिल्म जिसका नाम अला वैकुंठ पुरमालू, उसके मेकर से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपनी फिल्म को बड़े पर्दे पर ना लाएं, क्योंकि इससे उनकी फिल्म शहजादा को नुकसान हो सकता है। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अला वैकुंठ पुरमुलु, जो कि अल्लू अर्जुन की फिल्म है और जिनकी हालिया रिलीज पुष्पा को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी उन्हीं की एक फिल्म जो अला वैकुंठ पुरमालू है वो रिलीज होने वाली थी हिंदी में, वो भी बड़े पर्दे पर। जी हाँ, ये फिल्म अभी तक दक्षिण भारतीय भाषाओं में है, लेकिन पहली बार बड़े पर्दे पर अल्लू अर्जुन की हिंदी फैन फॉलोइंग को देखते हुए, पुष्पा के सक्सेस को कैश करते हुए मेकर्स ने एक बहुत बड़ा मूव लिया था। लेकिन चूंकि इसी फिल्म की रीमेक शहजादा है, इसलिए शहजादा के मेकर्स ने ये रिक्वेस्ट की प्रोड्यूसर मनीष शाह से कि वो अपनी फिल्म की रिलीज रोक दें। जी हाँ, आज है 21 तारीख, 21 जनवरी, और 26 जनवरी को बड़े पर्दे पर यानी रिपब्लिक डे के मौके पर ये रिलीज होने वाली थी। जाहिर सी बात है, छुट्टी का दिन था, और इसके बाद चूंकि हाल फिलहाल कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है थिएटर में, इसलिए अला वैकुंठ पुरमुलु को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल सकता था, और अल्लू अर्जुन को जिस तरह से उनकी फिल्म पुष्पा को प्यार मिला है वैसा ही प्यार इस फिल्म को भी मिल सकता था, लेकिन शहजादा को वाकई इसका नुकसान होता। इससे पहले कुछ खबरें आईं, हालांकि ये खबरें कितनी सही हैं या कितनी गलत ये हम नहीं बता सकते। इससे पहले ये खबरें आई थी कि जो शहजादा के मेकर्स हैं उन्होंने अल्लू अर्जुन की इस फिल्म जो कि अला वैकुंठ पुरमुलु है, उनके मेकर्स को लगभग 8 करोड़ रुपए की पेशकश की कि वो अपनी रिलीज टाल दें। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई। लेकिन एक बोर करने वाली बात यह है कि जो भी अल्लू अर्जुन के फैंस हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, अब एक बड़ा और लार्ज ऑडियंस फिगर उनकी फैन फॉलोइंग का हो चुका है, उनके ट्वीट्स में देख रहा था और वो लगातार सोशल मीडिया पर बायकॉट शहजादा ट्रेंड कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उन्हें एक बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है, क्योंकि 21 तारीख आज है, महज 5 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, एक क्यूरियोसिटी थी, और अब वो फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं आएगी, तो धक्का लगा है और उसका गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, शहजादा के मेकर्स ने ये फैसला जो किया है, इस तरह की रिक्वेस्ट की है, इससे क्या फिल्म को नुकसान होगा या फिल्म वाकई फायदे में होगी, क्योंकि अला वैकुंठ पुरमोलु अब हिंदी में बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाएगी। आप की राय क्या है जरूर बताइए।